आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन काल में सरकार के प्रश्रय में भूमाफियाओं ने भोली भाली जनता को अपने घर का सपना दिखाकर खुली लूट मचाई। इसके साथ ही किसानों से धोखाधड़ी कर अपने रसूख के दम पर उनकी जमीनें भी हड़प ली। भूमाफिया धवन बंधुओं पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपों के बीच में उनके द्वारा की गई ठगी का एक और कारनामा सामने आया है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने जब से भूमाफियाओं की गर्दन पर अपना शिकंजा कसना आरंभ किया है, तभी से अनेक डरे सहमे किसान इन लुटेरे भूमाफियाओं के खिलाफ हिम्मत जुटाकर सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में भूमाफिया धवन बंधुओं के विरुद्ध किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसान सलीम पिता नूरा पटेल ने जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से आवेदन देकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भूमाफिया जितेंद्र उर्फ हैप्पी धवन, पिता सूरज प्रकाश धवन एवं राजीव उर्फ लक्की धवन, पिता सूरज प्रकाश धवन ने अवैधानिक तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर उसकी भूमि को हड़प लिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भूमाफिया बंधुओं ने मेरे एवं मेरे परिवार के आधिपत्य की ग्राम खजराना स्थित विभिन्न सर्वे क्रमांक जो कि वर्तमान में पटवारी हल्का नंबर 30 ग्राम राजस्व निरीक्षक मंडल इंदौर 2 तहसील एवं जिला इंदौर में स्थित है, ये भूमि उसने कहा कि मेरे व मेरे परिवार के मालिकाना हक की होकर विभिन्न शासकीय विभागों में हमारे नाम से पंजीकृत है, परंतु भूमाफिया धवन बंधुओं ने जालसाजी कर उक्त भूमि को अपने नाम पर करवा ली है। इसके साथ ही उन्होंने भूमि के सभी जोड़कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसके लिए उन्होंने छल पूर्वक विभिन्न विभागों से कॉलोनी विकसित करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली है। उक्त कॉलोनी का नाम राज रतन एवेन्यू फेज 1 रखा गया है। इस कृत्य की शिकायत थाना खजराना पर पूर्व में भी की गई थी, जिसकी जांच लंबित है। आज हमने कलेक्टर महोदय और श्रीमान डीआईजी महोदय को भूमाफिया हैप्पी धवन और उसके भाई लक्की धवन के संबंध में दिया है। इन लोगों ने हम लोगों की पुश्तैनी कृषि भूमि जो कि मेरे परिवार के नाम दर्ज थी, उसको अवैधानिक तरीके से गलत तरीके से थर्ड पर्सन से रजिस्ट्री करवा कर, जिसको कोई अधिकार नहीं था, उनसे रजिस्ट्री करवा कर हमारी भूमि को अपने नाम से करवा ली तथा वहाँ पर राजरतन एवेन्यू के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है। ये लोग भूमाफिया हैं, कॉलोनी विकसित करके फिर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उस जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है जिसका उनको मालिकाना हक प्राप्त ही नहीं है। उसी संबंध में हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय डीआईजी महोदय के सामने सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत किए हैं और जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है उस संबंध में सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तथा हमने निवेदन किया है कलेक्टर महोदय से, डीआईजी महोदय से कि इन जैसे भूमाफियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।